ओम शांति। आत्मा बनकर बैठे अपने मस्तक सिंहासन पर। हम सभी बाबा के बच्चे बहुत बहुत भाग्यवान हैं। हमने भी ये अलौकिक ब्राह्मण जन्म लिया है और जन्म लेते ही हमारी भाग्य की रेखाएं खींच गई। हमारी दशा, हमारा काल, हमारी राशि सब निश्चित हो गई। जन्म लेते ही किसको सेकंड में निश्चय हो गया, बस आगे जहां आना था यही है, यही है। किसी को सेकंड में नशा चढ़ गया, सेकंड में वो योगयुक्त हो गए। ये पहले नंबर की आत्माओं की पहचान है। उस पहले नंबर में असतन भी आ गए और फिर 108 भी आ गए। दूसरे नंबर की आत्माओं को 7 दिन के बाद निश्चय हुआ। 7 दिन लगे नशा चढ़ने में, 7 दिन लगे योग सीखने में, ये सेकंड नंबर की आत्माएं। और तीसरे नंबर की आत्माओं को सालों लगा संशय और निश्चय के युद्ध में। नशा कभी उतरता रहा, कभी चढ़ता रहा, योग लगा नहीं लगा, ये तीसरे नंबर की आत्माएं। तो हम चेक कर लें, बाबा के पास आते ही हमारी राशि कैसी रही, हमारा काल कैसा रहा। आते ही बस हम खुशी में झूम उठे, योग लग गया हमारा, बाबा से मिलन होने लगा। ये पहले नंबर की महान आत्माओं की पहचान है। और क्या अभी भी संशय और निश्चय के युद्ध में हमारा जीवन बीत रहा है? प्राप्तियां हुई तो निश्चय हो गया, प्राप्ति न हुई तो संशय आ गया। बाबा की मदद मिल गई तो वाह बाबा, न मिली तो जाओ बाबा। तो हम चेक कर लें कैसा हमारा आरंभ का काल रहा। नशा बड़ी सूक्ष्म चीज है, भगवान मिल गए, आते ही नशा चढ़ गया। पहले नंबर की आत्माएं, नशा चढ़ रहा है धीरे धीरे, सदा नशे में स्थित रहते हैं। ये ईश्वरीय नशा है, ये स्वमान है। जो श्रेष्ठ स्वमानधारी हैं वो सदा नशे में रहते हैं। तो चेक कर ले, हमें ये नशा चढ़ा रहता है कि भगवान का वरदानी हाथ हमारे सिर पर है, वो सदा हमारा साथी है, उसकी हजार भुजाओं की छत्र छाया हमारे सिर पर है, या हम अकेले महसूस करते हैं और बहुत याद के बाद हमें ये स्मृति तीव्र होती है। अपने निश्चय को, अपने नशे को, और तीसरी बात अपनी योग युक्त स्थिति को पहचाने। अगर हम बाबा के स्वरूप पर सहज ही स्थिर रहते हैं, अगर हम अपने आत्मिक स्वरूप और 5 स्वरूपों के अनुभव में सहज आ जाते हैं, तो हम पहले नंबर की आत्माएं हैं। अगर हम अभी भी योग लगाना ही सीख रहे हैं, योग लगता है टूटता है, तो हमें और प्रयास करना चाहिए। बार बार के अभ्यास करने से आत्मा योग युक्त हो सकती है। संसार में कोई भी कार्य कठिन नहीं होता, प्रैक्टिस हर कठिन काम को सरल बना देती है। हम बार बार योग का अभ्यास करें, अपने टाइमिंग फिक्स करें, मन में नया नया उमंग उत्साह भरें, नई नई प्लानिंग करें, नई नई विधियों से अभ्यास करें, तो हमारा योग का चार्ट भी तेजी से बढ़ता जाएगा। तो आज सारा दिन हम अभ्यास करेंगे, मैं इस देह में अवतार हूँ, अपने को देखेंगे, मैं आत्मा परम धाम में बैठी हूँ, वहां से धीरे धीरे नीचे उतरती हूँ,
और इस देह में प्रवेश कर लेती हूँ। अब मैं ब्रकुटि सिंहासन पर विराजमान हूँ। मेरा कार्य पूर्ण हुआ और मैं इस देह को छोड़कर चली अपने धाम और फिर पहुँच गई बाबा की किरणों के नीचे। ये आने और जाने की प्रैक्टिस हम करते रहेंगे और जब हम बाबा के पास बैठ गए तो पुनः हम में शक्तियाँ भरने लगी और हम नीचे आ गए वैकुंठ सिंहासन पर बैठकर उन शक्तियों को चारों ओर फैलाने लगे। ओम शांति।